हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात सनसनीखेज वारदात हुई। कोर्ट की तारीख पर साथ नहीं ले जाने पर अपराधियों की गैंग आपस में भिड़ गई, जमकर चाकूबाजी हुई जिसमें 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जख्मियों में संजय गांधी नगर निवासी हरीश तिजारे, अमित घाट के ऋषभ गोमा से रुपेश बोराड़े, अनिल आष्टी और युगल नारखेड़े का समावेश है। विशाल सुनतकर सहित अन्य आरोपी भाग निकले। अमित घाट के रुपेश बोराड़े, विशाल सुनतकर, अनिल आष्टे, यश ठाकरे, सागर शेंडे ने अन्य साथियों के साथ मिलकर जून 2020 में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उनके खिलाफ हुडकेश्वर थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को इस प्रकरण की कोर्ट में तारीख थी। अमित और रुपेश अन्य 3 साथियों को लेकर तारीख पर चले गए। विशाल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। विशाल तारीख पर जाने से चूक गया। आणि त्याचा मित्र होता विशाल चुन्नरवार, हा तिथून पळून गेला, त्याला किरकोळ मार लागलेला, तो पळून गेलेला आहे। तर एका गुन्ह्यामध्ये सध्या मनोज बुराडे आणि एक कुहिकर यांना अटक करणे बाकी आहे आणि दुसरा एक गुन्हा जो दाखल आहे त्यातला एक आरोपी जखमी आहे आणि दुसरा एक विशाल चुन्नरवार हा फरार झालेला आहे, त्याचा शोध सुरू आहे। 2020 एक यांच्याच मित्राचा हुडकेश्वर रोडवरती खून झालेला होता, त्यावरून यांनी परिसरात दंगामस्ती केली होती, त्यावरून त्यांच्यावर 395 आणि असा गुन्हा दाखल आहे। त्यातले हे सगळे सह आरोपी आहे आणि बाकीचे गुन्हे पण त्यांच्यावर दाखल आहे। विशाल चुन्नरवार यावर सक्करदरा येथे गुन्हे दाखल आहे। सर्व रेकॉर्डवरचेच जास्तीत जास्त आरोपी आहेत ते। कामधंदा हा रुपेश बुराडे हा पूर्वी महानगरपालिकेत काम करत असल्याची माहिती आहे। सध्या तो माळगीनगर चौकातच असतो, खाजगी काम करत असतो। सर्व खाजगी काम करणारेच लोक आहेत। इस वजह से वह बौखलाया हुआ था। सोमवार की रात 8:30 बजे के दौरान विशाल अपने दोस्त युगल नारखेड़े के साथ परिसर में खड़ा था, तभी उसका अमित और अन्य लोगों से आमना सामना हुआ। विशाल ने सभी के साथ जमकर गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। इसी दौरान विशाल ने कमर से चाकू निकालकर अपने ही साथियों पर हमला बोल दिया। जो उसके सामने आ रहा था उस पर चाकू से वार कर रहा था। अमित की गर्दन कट गई, अन्य को गंभीर चोट लगी। सभी मिलकर विशाल को दबोचने का प्रयास कर रहे थे। एक ने विशाल के हाथ से चाकू छीन लिया। विरोधियों को हावी होते देख विशाल वहां से भाग निकला, लेकिन युगल हाथ लग गया। अमित और उसके साथियों ने युगल को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।